और आज हम जिस स्कूल में राष्ट्र के लिए खड़े हैं और सनातनी धर्म से मेरा निवेदन यही है कि हिंदू राष्ट्र हो सकता है। आज का दिन बहुत अच्छा लगा, जय श्री राम। रामचरित मानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाए जाने की मांग करने वाले नितिन उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ है, और क्या है हिंदू राष्ट्र का भी आपका अपना कोई प्लान है क्या? देखिए, अभी राम मंदिर बना है, राम लाला विराजमान हुए हैं अपने घर में और उसके हम ये महोत्सव उसको मना रहे हैं। रामचरित मानस प्रभु राम के जीवन पर लिखे गए ग्रंथ है और माना तो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हम उसको भी राष्ट्रीय ग्रंथ बनाएंगे। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो ये हिंदू राष्ट्र है, अब शुरुआत हो गई है। यहाँ राम राज्य आएगा, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, रामचरित मानस राष्ट्रीय ग्रंथ भी होगी, भगवान विश्वनाथ भी, नंदी बाबा जो प्रतीक्षा कर रहे हैं वो भी दर्शन करेंगे, और भगवान कृष्ण भी अपने घर में जल्द ही विराजमान होंगे। जय बजरंग सेना संगठन इन सभी भगवानों का उत्सव मनाएगी, सत्यम शिवम सुंदरम होगा इस देश में। तो कुल मिलाकर के हमें विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिली है, और चित्रकूट से राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने के अवसर पर जिस प्रकार का महोत्सव हो रहा है और दिव्य कार्यक्रम के इस आयोजन की संयोजिका अर्चना उपाध्याय हमारे साथ क्या कहेगी? भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मोदी जी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और ये चित्रकूट है जहाँ वनवासी श्री राम रहे हैं, क्या प्रेरणा मिलती है और क्या है इस आयोजन की मुख्य भूमिका? श्री राम, सब लोग बहुत खुश हैं, देश में दिवाली जैसा माहौल है, हर देश के कोने कोने में गांव शहर कस्बा हर जगह आज ये महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे लिए एक दिवाली के तौर पे, एक त्योहार के तौर पे आज ये महोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है, हमारे राम लला आज अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए और इस उपलक्ष्य में सभी देशवासी चलाए बीच रहे आज सुधर हमारे बीच है। ये चित्रकूट बोलिए खबरी मैया की, खबरी मैया की, खबरी मैया की। अगर हमारे चित्रकूट है और चित्रकूट में भगवान श्री राम वनवासी श्री राम के रूप में रहे हैं और ये चित्रकूट का एक माहौल आपको हम दिखा रहे हैं, जय बजरंग सेना के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम है। कहते हैं राम जी अपना ताज स्वयं करवा लेते हैं और हनुमान ना हो ये कैसे संभव हो सकता है। जय बजरंग सेना ने एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, आप चित्रकूट से क्या कहेंगे ऐसे कार्यक्रम को लेकर के? राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, राष्ट्र मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और वैश्विक पटल पर आत्मनिर्भर सक्षम समर्थ भारत की प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ है। पिछले 9 वर्षों में भारत ने पूरी दुनिया में सभी क्षेत्रों में जो गति बनाई है यह उस गति का प्रस्फुटन है। आज 140 कोटि जन भारत के अनेक प्रकार की यात्राएं, भव्य शोभा यात्राएं, मंदिरों में पूजन अर्चन के कार्यक्रम करके अपने मन के अंदर बसे राम का प्रस्फुटन कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राम के जीवन से प्रेरणा क्या मिलती है? प्रेरणा राम का जीवन है, लोक कल्याण का मार्ग राम का जीवन है, समाज में समरसता भारी समाज राम का जीवन है, जन जन के प्रति आत्मीयता का भाव राम का जीवन है, अराजकता के विरुद्ध सशक्त संकल्प राम का जीवन है, राष्ट्र जीवन राम का जीवन है, जन का जीवन राम के जीवन से क्या प्रेरणा मिल रही है आपको युवाओं के राम के? देखिए, घायल शताब्दियों को आज मरहम मिला, भारत की आत्मा को दूसरा जन्म मिला। राम हम सब के नाम है और यह ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है, हम सब इसको स्वीकार करते हैं और सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि राम की प्रतिष्ठा नहीं है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा हुई है। आइए सब लोग, जय बजरंग जी, जय हनुमान, वंदे मातरम, जय श्री राम। की जो आशंका जताई जाती है कि भारत अब क्या होगा, तो क्या भारत आगे हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? बड़ा सवाल है।